हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका मल्टीपल यूज होता है। उसे हम जब खीर बनाते हैं तो उसमें हम डालते हैं, कोई स्वीट्स में भी डालते हैं, कभी केक में भी डालने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ पनीर की रेसिपी के साथ भी उसे डाला जाता है। आप कोई भी स्वीट्स बना रहे होते हैं, हलवा है, खीर है, कुछ भी है, उसमें अगर डालते हैं तो उसका स्वाद ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी। ये घर पर ही बनाए बहुत ही बढ़िया बनता है, बिल्कुल बाजार की तरह बन के तैयार होता है। जब आप बाजार में इसे खरीदने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली बनता है, लेकिन घर पे बनाते हैं तो काफी सस्ते में ही आप इसे बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल प्योर। तो इससे पहले मैं कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सभी नए रेसिपी के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आइए चलते हैं कंडेंस मिल्क बनाने। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध। इसे एक पैन में डालकर गैस ऑन करके फुल फ्लेम पर उबलने के लिए रखा है। जब दूध गर्म होने लगे हल्का, तभी इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम चीनी और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जी हाँ, दूध को लगातार चलाएंगे गाढ़ा होने तक। इसे गाढ़ा होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में ही गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि इसके साथ चीनी भी ऐड है, जिससे बहुत जल्दी ये गाढ़ा होने लगता है। और लगातार अगर आप नहीं चलाएंगे तो दूध फट जाएगा या फिर शुगर की जगह जगह गोले इसे बनने लगेंगे। अब ये देखिए 5 मिनट हो गया है, दूध गाढ़ा हो गया है। अब गैस ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद इसमें हम 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। सोडा डालकर इसे जल्दी जल्दी स्पैचुला से चलाएंगे। जल्दी जल्दी क्यों चलाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये बढ़िया बनके तैयार नहीं होगा, परफेक्ट नहीं बनेगा। और दूध में जैसे ही आप सोडा डालते हैं तो रिएक्शन होता है और ये फूलने लगता है दूध, इसलिए इसको जल्दी जल्दी चलाकर एक जैसा मिक्स करते हैं। थोड़ी देर 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। मिनट के बाद ये बिल्कुल बैलेंस में हो जाता है और परफेक्ट कंडेंस्ड मिल्क बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए ये कंडेंस्ड मिल्क बनकर तैयार हो गया है। कितना बढ़िया कंडेंस्ड मिल्क बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल बाजार की तरह। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में ठंडा होने के बाद स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और 4-5 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। आप जरूर ट्राई कीजिए, जो भी मैंने क्वांटिटी बताई है, जो भी मैंने थिकनेस और टाइम बताया है, इसके अकॉर्डिंग आप बना के देखिए। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलती हूँ फिर बहुत जल्दी अपने नए रेसिपी के साथ।